I want to ask a colleague on the table here who comes from Pakhtunkhwa province, who's been a member of the provincial assembly for, in fact, several years, 2008, 2018. She belongs to the Awami National Party. Are you as optimistic as Mehbooba about the fact that you will not see Talibanization because you've already been through it in Pakhtunkhwa? Do you see a return of that Talibanization now? And I want to ask you one more question, because I think it's important in the context of getting the whole picture. There are negotiations going on right now between the Pakistan government and the TTP. What are the implications of those negotiations for women and girls, particularly in Pakhtunkhwa, but for women and girls in Pakistan more generally? And what can democratic parties do, democratic parties and groups, to ensure that whatever rights that women have gained aren't going to be lost? The same question that I actually asked our Afghan colleagues. Please. Ms. Malaya. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच. बहुत मशकूर हूँ. एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेरे ख़्याल में अगर हम ओवरऑल सूरत हाल की बात करें, यहाँ पे जितनी भी बातें हुई, एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट, ज़ाहरी बात है कि ख़वातीन के हवाले से मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि हम जब भी हालत जंग में होते हैं तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे मुतासिर होते हैं. और जो दो किस्म के लोग, हम एक बच्चों की बात करते हैं, एक ख़वातीन की बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें या अफ़ग़ानिस्तान की बात करें तो हम एक हैं. हमारी ज़ुबान, कल्चर, रिलेशन, ओवरऑल हम बात करें तो हम ज़ाहरी बात है कि अगर अफ़ग़ानिस्तान पुरमन अफ़ग़ानिस्तान नहीं होगा तो हम पुरमन पाकिस्तान की बात जो करते हैं, मेरे ख़्याल में वो मजाक है, वो पॉसिबल ही नहीं है. अगर पुरमन पाकिस्तान है और पुरमन अफ़ग़ानिस्तान, तो मेरे ख़्याल में पुरमन पाकिस्तान के बग़ैर पुरमन अफ़ग़ानिस्तान और पुरमन अफ़ग़ानिस्तान के बग़ैर पुरमन पाकिस्तान जो है पॉसिबल नहीं है. हमें इस बात को बहुत सीरियस, हमारे अपने मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा चूँकि फ्रंट लाइन था. हम टेररिज्म के हवाले से जब बात करते हैं तो सबसे फ्रंट लाइन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, कि हम पाकिस्तान में, अफ़ग़ानिस्तान में अगर ख़वातीन की बात करें तो अगर हम सियासत की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, हम इकॉनमी की बात करें, तो ओवरऑल ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है. अगर हम एजुकेशन की बात अफ़ग़ानिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, तो आप ये देखिए कि जब भी हालात ख़राब होते हैं, जब भी टेररिज्म पीक पे हो, तो सबसे ज़्यादा टारगेट ख़वातीन, बच्चियों के स्कूल को किया जाता था. और 2008 में हमने देखा, जब उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, और जब हम 5 स्कूल लड़कियों के बनाते थे तो 10 स्कूल जो है वो ख़वातीन के, बच्चियों के टारगेट किए जाते थे. सेम कॉलेजेस का भी यही था, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ जहाँ पे ख़वातीन अगर वो मीडिया से ताल्लुक़ रखती थी, वो किसी एनजीओ में जॉब करती थी, ओवरऑल हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन को टारगेट किया जाता था. अगर मलाला की यहाँ पर बात हुई, मलाला जैसी बच्ची जो कि एक गांव में रहती थी और उनका जो मकसद था, जो एम था बच्ची का, कि ख़ुद तालीम हासिल करना और दूसरे बच्चियों को इस बात पे कायल करना कि तालीम जो है वो कितनी ज़रूरी है, उस हवाले से उस बच्ची को टारगेट करना. और आप सब के सामने मलाला जो है वो एक बच्ची जो है वो आपके सामने उनकी मिसाल है. APS का जो वाकया है, जो बच्चे, जो बच्चियाँ स्कूल गए थे, वो तो जो कहते हैं ना कि वो उन्होंने कुर्बानी दी है, सॉरी टू से, उनके पेरेंट्स की बात मैं यहाँ रिपीट करूँगी कि उनको जहाद के लिए तो नहीं भेजा था, उनको इसलिए तो नहीं स्कूल भेजते थे बच्चों को कि आप जी शहीद हो जाए और माँ बाप उस पर फ़ख्र करेंगे. नहीं, ये जो हमारे रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो रिट है, उस हवाले से जब हम नाकाम होते हैं तो हम फिर यही बात करते कि जी उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है. ये क्या बात हुई? उनके पेरेंट्स से आप जाके उन पेरेंट्स से पूछ ले,
फरजाना यहाँ पे बैठी है, हम यहाँ पे डोर टू डोर हम गए हैं, आप यकीन करें उन वालदेन को जब हम देखते हैं, उन माओं को जब हम देखते हैं, यहाँ पे जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि नेगोशिएशन की बात यहाँ पे होती है, आप ये तो सोच लें, आप उस पेरेंट्स से जाके बात तो करें कि आया आपके बच्चों को जिस तरीके से मारा गया है आप एग्री हैं क्या, आप करेंगी वो हालत जो उन बच्चों की। मैं जब उन माओ से मिलती थी और उस दिन जब हम गए तो आप सबको पता है कि वो तो एक कयामत का दिन था, लेकिन जब हम माओ से मिल रहे थे तो मैंने अभी तक मुझे याद है कि एक वालदा ने मुझे कहा कि मुझे ये अफसोस नहीं है कि मेरा बेटा जो है वो मर गया है, मुझे ये अफसोस है कि मेरा वो बेटा जो कि बिल्ली की आवाज़ से भी डरता था उसकी ज़ुबान पे गोली लगी है, तो उस वक्त वो हालत जो सिचुएशन मेरे बच्चे जो हालत थी वो चीज़ मुझे वो कर रही है, उस जिस हालत से मैं गुजर रही हूँ। अब ऐसे हालात में ऐसे मुल्क में ऐसे लोगों के सामने फिर आप बैठ के आप बात करते हैं कि जी हम नेगोशिएशन करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, शर्म नहीं आती उन लोगों को, या शायद हम नहीं कहते, खुदा ना करे कि किसी के बच्चों पे वो दिन आए, लेकिन उन पेरेंट्स से आप जाके बात तो करें, वो किस हालत से हैं। ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे कि वो खामोश होते हैं कुछ वक्त, फिर वो चीखने लगते हैं, फिर वो लोगों को सॉरी कहते हैं कि सॉरी हमें पता नहीं चला कि हमने क्या रिएक्ट किया है। ये वो हालत है उन पेरेंट्स की, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो आप लोग उन पर तशद्दुद करते हैं। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हम ऐसे मुल्क में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, जो अपने आप को इस्लामिक, कौन से इस्लामिक ममालिक में ये होता है कि बच्चों जो है वो 14 साल की बच्ची को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में उनको सामने रख दिया जाता है कि जी आप गले काटें। हमने वो वीडियोस देखी है एनपी के दौर में कि 14 साल की बच्ची को किस तरीके से एक बंदे को लटा के कहते हैं कि आप जी इसको ज़बा करें। ये है इस्लाम में क्या, ये हमारे मुल्क के आईन और कानून में है? बड़े अफसोस की बात होती है। मैं एजुकेशन के साथ साथ अगर हम ओवरऑल सियासत की बात करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सियासत के हवाले से ख्वातीन कितनी मुतासिर हुए, ज़ाहरी बात है कि जब आप ख्वातीन को फैसला साजी में, आप डिसीजन मेकिंग में ख्वातीन को नहीं रखते, तो इसका ये मकसद है कि आपने ख्वातीन की जो अक्सरियत है पार्लियामेंट में, हम सियासत की जब बात करते हैं कि ख्वातीन जब घरों से निकलती है, वो इलेक्शन में जाती है, वो इलेक्शन कैंपेन करती है, वो खुद इलेक्शन में, तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि आप खातून हैं, हालात ठीक नहीं है। हालात अगर ठीक नहीं है तो क्या वो सिर्फ ख्वातीन के लिए हैं कि ख्वातीन घरों से ना निकले? इसके साथ साथ अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर में हमारे मुल्क में ये आप देखें कि ख्वातीन को इस हालात में जब ये तालिबानाइजेशन का दौर है, इसमें अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में आप देखें कि ख्वातीन को घरों से ना निकलना, बुरका पहनना, हिजाब करना। और मैं एक और बात कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जब बहुत ज़्यादा बच्चियों के रेप केसेस आए तो उसमें हमने बात की कि इस हवाले से तो हमें ये भी हुकूमतों की तरफ से, जो हमारी बहुत ही प्रो वुमेन की बात करने वाले पार्टियां हैं, तो कहते हैं कि जी ख्वातीन बच्चियाँ बुरका पहनेगी तो हो सकता है कि मर्दों की नीयत में कोई वो ना आए। ये एक जवाब है, ये माइंड सेट है जो हम देखते हैं। दहशतगर्दी में जो टेररिज्म पीक पे थी 2008 से, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हुई, जो आईडीपीस की शक्ल में ख्वातीन अपने घरों से बेदखल होके आईडीपीस की शक्ल में, फरजाना यहाँ पे बैठी है ये भी कवरेज करती थी, हम जब जाते थे खेमों में जून जुलाई में, हमने बच्चियों को और ख्वातीन को उन खेमों में देखा, जब हमने उनसे पूछा कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं और आप क्या, आपकी क्या वो है, तो उन्होंने कहा हमारे ज़ाहरी बात है कि उनके जो पेरेंट्स होते थे, देखिए एक बच्ची के वालिद शहीद होते तो बच्ची यतीम होती है, एक खातून के शोहर शहीद होते तो खातून बेवा होती है, सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वही ख्वातीन होती थी। फिर भी ख्वातीन हमें कहती थी कि हम अमन के लिए यहाँ रहने के लिए भी तैयार है। हमारे पख्तून मुआशरे में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, सबसे तकलीफ़ दे मराहिल ख्वातीन के लिए वो है जब आप उनको अपने घर से बेदखल करें, लेकिन उन ख्वातीन ने वो भी बर्दाश्त किया, उन्होंने अपने बच्चे उनके मिसिंग है, उनके वालदेन जो है उनके पेरेंट्स मिसिंग है, लेकिन उन्होंने अमन के लिए अपना रोल अदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमें अफसोस ही होता है कि हम जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं और फिर जब तालिबानाइजेशन की बात आई तो हमारे अपने मुल्क में, अपने मुल्क में जब लोग मुबारकबाद देते थे तो हमारे आंखों में आंसू आते थे कि क्या आप
किसी भी यूनिवर्सिटी में एक तालिब बैठा है और आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है, तो क्या खुदा ना करे कि पाकिस्तान में वो हालात हो, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? मैंने बहुत से लोगों को कहा कि क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में तालिब बैठो और आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? थैंक यू सो मच जी।